अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए हैं। अब जैसे ही तुम पासपोर्ट साथ गुजरेगा हमें फौरन पता चल जाएगा सर। टाइगर तुम्हारी तरह इडियट नहीं है। सलमान खान की टाइगर 3 को फिर क्यों लगा झटका? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सुपरस्टार सलमान खान इस वक्त कैटरीना कैफ के साथ फिल्म टाइगर 3 को लेकर बिजी हैं, और आए दिन फिल्म से किसी ना किसी तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। बता दें कि सलमान खान की इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में होने वाली थी और ये शेड्यूल काफी शानदार होने वाला था। हालांकि अब एक ऐसी खबर आ रही है जिससे सलमान खान के फैंस निराश हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली वाला शेड्यूल मेकर्स को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि दिल्ली में लगातार कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रोन पैर पसार रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो बड़े आउटडोर शेड्यूल की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल नहीं है। ओमिक्रोन खतरा वास्तविक है और ये केवल बुद्धिमानी है कि निर्माता इस संवेदनशील समय में सतर्क रहना पसंद कर रहे हैं। इस शेड्यूल को अब बाद के चरण में नियोजित और निष्पादित किया जाएगा, ऐसा यशराज फिल्म्स के प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया। सलमान खान के अलावा यशराज फिल्म्स की एक और बड़ी प्रोडक्शन पठान की भी शूटिंग रुकी हुई है। इसका कारण भी ओमिक्रोन ही है। टाइगर 3 की बात करें तो इस फिल्म में सुपरस्टार सलमान खान के अलावा इमरान हाशमी भी नजर आने वाले हैं, जो कि विलन का किरदार निभाएंगे। सलमान खान टाइगर 3 की शूटिंग पिछले कुछ दिनों से मुंबई में अकेले ही कर रहे थे। वर्क फ्रंट पर सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली, किक 2, बजरंगी भाईजान 2, नो एंट्री सीक्वल और दबंग 4 को लेकर खबरों का हिस्सा है, और ब्लैक टाइगर भी एक दमदार प्रोजेक्ट इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं टाइगर 3 को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।